ये देखिए मेरी फूली फूली रोटी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ सीक्रेट रेसिपी बताने आप लोगों को। ये देखिए मेरी, मैं इसको कम कर दूंगी और इसको मैं हटा करके, जैसा कि ऐसा बहुत बार होता है कि आप मतलब कि कभी आदमी कम हो गया और आपने आटा ज़्यादा सान लिया हो, तो मैं एक बहुत ही काम की चीज़ आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है कि आटा को ऐसे गोल कर लेना है, बहुत अच्छे से गोल कर लेंगे हम इसको, और इसमें रिफाइंड लगाएंगे तो ये पपड़ियाएगा नहीं, ये थोड़ा सा भी करा नहीं होगा, इस पर कलर चेंज नहीं होंगे, ये जैसे है अभी वैसे ही रहेंगे। और इसका इस तेल से ये फायदा है कि इसका हल्का ही लेंगे हम, उससे ज़्यादा निकल गया है अभी, कोई बात नहीं है, इसको हम अच्छे से लगा देंगे ताकि ये हार्ड ना हो, जैसे है वैसे ही रहे। और इसको हम कभी भी काम ला सकते हैं, सुबह में भी ला सकते हैं, लेकिन याद रहे कि इसे पूरे में लगाना है तब अच्छे से रहेगा, वरना ये पूरा ये हो जाएगा। देखिए मैंने अच्छे से इसको मैंने इसको अच्छे से लगा दिया है। अब इसको मैं एक कटोरे में डाल करके फ्रीज में डाल दूँगी। मेरे से ये क्या हो गया, गिर गया बर्तन। मैंने इसको कटोरे में डाल दिया है। अब मैं जा रही हूँ सब्जी की रेसिपी बनाने। पहले मैं इसको साइड कर देती हूँ, इसको मैं बंद कर देती हूँ। मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी सीक्रेट सी रेसिपी, जिसको आप प्लीज़ 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 इसको ट्राई करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको अभी रेसिपी जो बताने जा रही हूँ, मैंने यहाँ पे उस रेसिपी की सारे सामान को तैयार करके रखा है। यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे प्याज काट लिया है, टमाटर, हरी मिर्चा, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और धनिया पत्ती। ये इतना पहले इसको हल्का सा फ्राई करेंगे प्याज को। उसके बाद मैंने अंडा को यहाँ ग्राइंड कर लिया है, इसको अच्छे से कद्दूकस में मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। और ये देख सकते हैं आप अंडा कैसे हो गया है इसका, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। देखिए आप कैसा लग रहा है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरे को तो, ये देखिए। चलिए इसका हम बनाएंगे अच्छी सी रेसिपी। ये अंडा की रेसिपी है और इसमें ज़्यादा सामान भी लगेगा, लाइट भी रहेगा और जल्दी से भी बन जाता है। अगर एक और बात, अगर आपको मतलब कि अंडा उबालना हो और टाइम नहीं हो आपके पास, तो आपने बस यही करना है कि कुकर में डाल करके और पानी डाल करके हल्का सा नमक डाल करके उससे एक सीटी लगाओगे आप, पूरा अंडा एकदम से तैयार हो जाएगा और आपका टाइम भी नहीं लगेगा और हो भी जाएगा। अब मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी तेल। ये मैंने तेल डाल दिया, तेल आपको जितना रखना है उतना रखिए आप, मेरे को इतना ही रखना है। हल्का सा और डाल देती हूँ, यहाँ रोटी डाल दी है वरना ये सूप एकदम ये करी हो जाएगी। ये मैंने तेल गरम करने के लिए छोड़ दिया है, बस आई होप प्याज को फ्राई करने में वो कम ना पड़े। इसको मैंने ये कट कर लिया है, ये थोड़ा सा और डाल देती हूँ क्योंकि मुझे डाउट हो रहा था कि कम ना पड़ जाए, और कम पड़ता तो एकदम कम भी ऑयल अच्छा नहीं होता है और ना ही एकदम ज़्यादा होता है। मीडियम में रखो तो टेस्ट भी अच्छा आता है और खाने का भी मन करता है, लाइट भी रहता है। इसमें हम जीरा डालेंगे, मैंने जीरा निकालने के लिए इसमें से यहाँ मैं जीरा निकाल रही हूँ, जिसमें इसलिए काली मिर्च भी बहुत सारी है, इसको मैं अच्छे से निकाल लूँगी, बड़ी है तो इसको मैं ऐसे करके निकालूंगी ताकि जीरा भी रह जाए मेरे हाथ में और ये बड़ी काली मिर्च है जो ये निकल जाए। जीरा आप अपने हिसाब से रखना, एकदम ज़्यादा रखो या फिर एकदम कम रखो या मीडियम रखो।
चलो मैं इसमें डाल देती हूँ, तेल हल्का सा गर्म हो चुका है। मैंने इसमें प्याज रखना है और मैं इसको रखती हूँ अभी हाफ फ्राई करना है, याद रखें। इसको मैं हाफ फ्राई कर लूँगी और इसके बाद डालूँगी बस। मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे प्लीज़ 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 माफ़ कर देना, माइंड नहीं करना आप लोग। ये मैं अपनी खुशी के लिए बना रही हूँ। अगर आप लोगों को इस वीडियो को देख करके खुशी मिल रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। और जिया के लिए को दुआओं में याद रखिएगा। मैंने यहाँ प्याज को अच्छे से हाफ फ्राई कर लेना है। मेरी अम्मी भी बहुत दिनों से बोल रही थी कि हाँ कर लो एक बार, मैं बना करके देख लो। अम्मी देखती थी व्लॉग्स तो बोलती थी कि इतने लोगों का प्यार एक साथ मिलना बहुत मतलब कि अच्छी बात है, बहुत किस्मत वालों को मिलती है ऐसा प्यार, ऐसा इंसान दोस्त। वैसे सच बताऊँ तो मेरी कोई दोस्त ही नहीं है, दोस्त है पर बहन जैसी है, लेकिन वो मानती है कि मैं दोस्त हूँ उसके, और मैं भी उससे मानती हूँ कि हाँ दोस्त है वो मेरी। लेकिन एकदम जो होती है ना क्लोजली फ्रेंड नहीं है मेरे पास। इसको मैंने हाफ फ्राई कर लिया है, थोड़ा सा और आई थिंक से होगा, इसको थोड़ा और कर लेंगे। जैसे कि आपको लेना है एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच अदरक का पेस्ट, तीन हरी मिर्च। अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप चार पांच ले सकते हो, ऐसे तीन हरी मिर्च लेना है। अजान हो रही है, नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो बना रही हूँ इसलिए। चलिए ये बता करके मैं चुप हो जाऊँगी कि अल्लाह तला पहले अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, पहले अल्लाह की मान रखनी चाहिए, इसलिए मैं पहले उनकी सबसे पहले ज़रूरी बात अल्लाह के घर में जब अजान हो ना तो चुप रहना चाहिए। कुरान शरीफ तक चुप हो जाती है, कुरान शरीफ तक पढ़ना लोग बंद कर देते हैं, आदमी यहाँ तक कि बोलना तक बंद नहीं करता। अजान हो रही है, मैं 5 मिनट चुप हो जाती हूँ, प्लीज डोंट माइंड। मैंने इसमें डाला था, मैं अजान हो रहा था इसलिए मैं चुप हो गई थी 5 मिनट, प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा।
मैंने इसमें आपने देखा था कि मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया था, उसके बाद मैंने एक स्पून जीरा रखा था, उसके बाद मैंने करता हुआ चॉप प्याज रखा, चॉप टमाटर, 3 हरी मिर्च और एक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, एक लहसुन पेस्ट रखे थे, एक अदरक पेस्ट रखे थे और ये मैंने हाफ प्याज को हाफ फ्राई किया था। अभी मैं इस टमाटर को गलने दूंगी, टमाटर हल्का सा भी गल जाएगा इसको, इसके बाद मैं रखूंगी इसमें मसाले। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हो चुका है तैयार। अब मैं इसमें डालूंगी मसाला। पहले मैं इसमें डालूंगी नमक, नमक मैं अपने हिसाब से डालूंगी, आप लोगों का जो टेस्ट है, आप लोग जितना डाल नमक खाते हैं हल्का लाइट जो भी हो उतना डाल लीजिएगा। ये मैं नमक डाल रही हूँ, बस लकड़ी ज़्यादा ना हो वरना बहुत डांट पड़ेगी। ये मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, ये है लाल मिर्च, ज़्यादा तीखा मेरे अब्बू नहीं खाते इसलिए ज़्यादा तीखा नहीं डालूंगी। हल्का सा हल्दी, इसको मैं कम कर देती हूँ वरना नीचे से जल जाएगा। माय गॉड ये तो सब जल गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग ध्यान से बनाइएगा क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ, क्योंकि मैं आज वीडियो बना रही हूँ और मेरा फर्स्ट डे है, थोड़ा नर्वस हो जा रही हूँ इसलिए थोड़ा सा गलती हो रही है। इसे यहाँ मैंने हाफ चम्मच धनिया लिया है, हाफ छोटा चम्मच जीरा मिर्च, इसका फ्लेवर अच्छा आने के लिए मैंने आधा चम्मच घी डाला है। मैंने डाला अंडा, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स। इसको मैंने पकड़ लिया वरना ये गिर जाएगा तो मेरा कल्याण अभगा हो जाएगा। इसको मैंने ये सूखा पे ही रहता है, ये बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया, अब धनिया को अच्छे से चॉप कर लेना और उसके बाद इसमें डाल देना। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई थिंक से ऑयल कम हो चुका है इसमें, तो मैं इसमें रिफाइंड डाल दूंगी क्योंकि इसमें कच्चापन नहीं रहा है इसलिए मैं इसमें रिफाइंड डालूंगी, कभी तेल नहीं डालूंगी क्योंकि उससे कच्चापन रह जाता है अगर आप लास्ट में भी डालो तो। हल्का सा मैंने रिफाइंड डाल दिया, ये देखिए बन के तैयार हो चुका है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। मैं इसको अब बंद कर दूंगी, अब मैं जा रही हूँ खाने क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख और बहुत टाइम हो चुकी है, आई थिंक से 8 बज चुके हैं और मैं खाने जा रही हूँ अब। ओके बाय, प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।